अयोध्या की सरयू नदी में जटायु क्रूज और मोटर बोट के बाद अब वाटर मेट्रो की जल्द शुरुआत होने वाली है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंकिता। अयोध्या में 22 जनवरी को सरयू किनारे भव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान हो चुके हैं और अब सरयू में विकास की नई लहर चलाने की तैयारी हो रही है। लगातार अयोध्या में विकास कार्य तेजी से चल रहा है। अयोध्या आने वाले राम भक्त और पर्यटक सरयू नदी में जल विहार का भी आनंद ले सकेंगे। सरयू की नदी में अब जल्द ही वाटर मेट्रो दौड़ेगी। यहां पर पहले से ही 16 बोट और जटायु क्रूज सरयू की शान बढ़ा रहे हैं। केंद्रीय जल मार्ग मंत्रालय की ओर से बोट को जल्द ही योगी सरकार को सौंप दिया जाएगा। ये एक तरह की मोटर बोट है जिसे वाटर मेट्रो नाम दिया गया है। भारत की समुद्री विरासत और विकास की नई ऊंचाइयों की उड़ान के बीच अयोध्या में विकास परियोजनाएं तेजी से चल रही हैं। यहां आने वाले राम भक्तों को वाटर मेट्रो गुप्तार घाट से नया घाट तक का सफर कराएगी। वाटर मेट्रो और घाट के बीच में जेटी बांध का काम करेगी। खास बात यह है कि किराया बेहद सस्ता होगा। इसकी मदद से आसानी से सरयू घाट का दर्शन करने के साथ ही भक्त पूरी अयोध्या का भ्रमण भी कर सकते हैं। अयोध्या की वाटर मेट्रो यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर ही बनाई गई है। पानी में चलने वाली मेट्रो दिखने में आम मेट्रो की तरह ही है। वाटर मेट्रो में एक साथ 50 यात्री बैठ सकेंगे और एक बार की चार्जिंग में ये बोट एक घंटे का सफर तय कर सकती है। ये वाटर मेट्रो बिजली से चलेगी और इसके लिए 2 चार्जिंग पॉइंट भी बनाए गए हैं। इसके अंदर भी फाइबर की सीट और कांच की खिड़कियां लगाई गई हैं। कोचीन शिपयार्ड में बनी ये वाटर मेट्रो सरयू नदी के ऊपर किसी क्रूज की तरह नजर आएगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से 3 दिन पहले ही 19 जनवरी को सीएम योगी ने अयोध्या को 16 बोट की सौगात दी थी। वहीं 13 जनवरी को अयोध्या को जटायु क्रूज का तोहफा भी मिला था। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अयोध्या में भक्तों का सैलाब पहुंच रहा है और इस भीड़ को सरकार इकोनॉमी से जोड़ने में लगी हुई है और इसीलिए अयोध्या में एयरपोर्ट से लेकर रेलवे सेवा का विस्तार के बाद वाटर मेट्रो वाटर क्रूज जैसी सुविधाओं को भी धार दिया जा रहा है। NSSO की माने तो आस्था की इकोनॉमी $3 लाख है जो कि GDP का 2.5% है। 55% हिंदू धार्मिक यात्राएं करते हैं और हर दिन धार्मिक गतिविधियों में 1,316 करोड़ रुपए खर्च होते हैं और देश में तीर्थ स्थलों पर सबसे ज्यादा सैलानी पहुंचते हैं। आस्था के इस अर्थशास्त्र को सरकार अयोध्या में नई ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश में लगी हुई है। जरूर बताइए, देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।